LG G8X ThinQ एक ऐसा प्रीमियम स्मार्टफोन है जो कि एक एड ऑन डिस्प्ले केस के साथ आता है। अब दिखने में तो यह केस काफी अच्छा लगता है, पर सवाल यह है कि क्या यह केस सिर्फ एक गिमिक है या फिर यह केस सही मायनों में LG G8X ThinQ को एक महत्वपूर्ण स्मार्टफोन बनाता है। आइए जानते हैं हमारे रिव्यू में। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। LG G8X ThinQ में ग्लास सैंडविच डिजाइन है, जिसका मतलब है कि डिस्प्ले और रियर ग्लास पैनल के बीच एक मेटल फ्रेम है। फोन पकड़ने में और हैंडल करने में आसान है, पर इस पे स्मजेस बड़ी आसानी से पड़ जाते हैं और यह स्लिपरी भी है। फ्रंट पर 6.4 इंच का OLED फुल विजन डिस्प्ले मौजूद है, जो एक छोटे वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं और मुझे इसके पैनल की ब्राइटनेस पर्याप्त लगी। इस फोन में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आता है, जो कि धीमा है और सही से काम नहीं करता है। फोन का पावर बटन दाएं में है, जबकि वॉल्यूम बटन और डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन फोन के बाएं में है। मुझे इस बटन को रीमैप करने का कोई विकल्प नहीं मिला, पर अगर आप गूगल असिस्टेंट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उस केस में आपके लिए यह काफी उपयोगी साबित होगा। एक 3.5 mm हेडफोन जैक, एक प्राइमरी माइक्रोफोन, एक लाउडस्पीकर और एक USB टाइप सी पोर्ट फोन के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। आखिर में फोन के ऊपरी हिस्से में सिर्फ सिम ट्रे स्लॉट स्थित है। LG G8X ThinQ में हाईफाई क्वाड डैक है और यह फोन DTS:X 3D सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है। इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, जिसमें इस फोन का ईयरपीस दूसरे स्पीकर का भी काम करता है। इस फोन के बढ़िया ऑडियो आउटपुट की बदौलत मुझे इस फोन पे कंटेंट देखने में बड़ा आनंद आया। LG ने G8X ThinQ के साथ ही डुअल स्क्रीन एक्सेसरी को बंडल किया है, जिसमें आपको दो डिस्प्लेस मिलते हैं। पहली डिस्प्ले केस के बाहर है, जो कि एक मोनोक्रोम डिस्प्ले है। यह किसी भी नोटिफिकेशन के आने पर या फिर आपके फोन को उठाने पर लाइट अप हो जाता है। इसके साथ ही आप इस डिस्प्ले पर फोन का बैटरी परसेंटेज, टाइम, डेट और पेंडिंग नोटिफिकेशन वाले ऐप आइकन्स को देख सकते हैं। और तो और, जब ये बाहरी डिस्प्ले इनएक्टिव होती है, तब इसको स्पॉट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि LG ने केस के फ्रंट पर मिरर फिनिश का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं सेकेंडरी डिस्प्ले की, जो कि केस के अंदर मौजूद है। इसमें आपको मिलता है एक 6.4 इंच का OLED स्क्रीन। इस डिस्प्ले में दिए गए वाटर ड्रॉप नॉच का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि असलियत में इस गैप में कुछ भी नहीं है। केस के दोनों ही डिस्प्ले का पावर सोर्स फोन की बैटरी है, तो अगर आप हर वक्त इस केस को इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, तो जान ले कि फोन की ओवरऑल बैटरी लाइफ पे इसका बहुत असर पड़ेगा। अब जैसे ही फोन की बैटरी 15% से नीचे जाती है, फोन का सेकेंडरी डिस्प्ले खुद ब खुद बंद हो जाता है। LG ने साथ में एक मैग्नेटिक कनेक्टर भी दिया है, जिसकी मदद से डुअल स्क्रीन केस को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप फोन को चार्ज भी कर पाएंगे। LG G8X ThinQ LG UX 9.0 सॉफ्टवेयर पे चलता है, जो Android 9 पाई पर आधारित है। हालांकि अगर यहाँ पे Android 10 होता तो बेहतर होता। फोन के UI में कोई ऐप ड्रॉ नहीं है, इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है, और साथ ही LG ने ब्लोटवेयर को भी नियंत्रण में रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। LG G8X ThinQ में Qualcomm के Snapdragon 855 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। फोन को इस्तेमाल करते वक्त मुझे किसी भी लैग या स्टटर का सामना नहीं करना पड़ा। मल्टीटास्किंग में और एप्स को लोड करने में फोन बहुत ही स्मूथ था। बल्कि दूसरी डिस्प्ले को ऑन करके और उस पर एक अलग ऐप चलाने के बावजूद भी इस टास्क को फोन को हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि मैं आपको दोनों डिस्प्लेस पे साथ साथ दो हैवी एप्स इस्तेमाल करने का सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि इससे फोन थोड़ा हीट अप हो जाता है। LG आपको एक गेम पैड का विकल्प भी देता है, जिससे कि आप गेम्स खेलते वक्त एक डिस्प्ले को गेम पैड में बदल सकते हैं। मैंने एस्फाल्ट 9 लेजेंड्स और स्नाइपर फ्यूरी जैसी गेम्स खेली, और दूसरी स्क्रीन के होने की वजह से मुझे इस फोन पर गेमिंग करना बेहद एंगेजिंग लगा। इसके साथ ही गेम मोड से आप किसी भी गेम के जॉनर के हिसाब से अलग अलग गेम पैड्स के विकल्प के बीच चुनाव कर सकते हैं। इस फोन पर गेम्स खेलते वक्त मुझे किसी भी लैग या स्टटर का सामना नहीं करना पड़ा।
हालांकि डुअल स्क्रीन एक्सेसरी के साथ स्नाइपर फ्यूरी खेलते वक्त फोन थोड़ा गर्म जरूर हो गया था। LG G8X ThinQ में 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसे हम सिंगल चार्ज पे डेढ़ दिन तक इस्तेमाल कर पाए। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डुअल स्क्रीन एक्सेसरी के साथ बैटरी लाइफ पे काफी असर पड़ा। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में यह फोन 19 घंटे और 53 मिनट तक चला और फोन के साथ आने वाले चार्जर की मदद से हम इस फोन को 1 घंटे में 67% चार्ज कर पाए। LG G8X ThinQ में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा है। इसके साथ ही एक 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी वाइड एंगल कैमरा भी आता है। LG G8X ThinQ फोकस करने में तेज है और सीन को भी सही ढंग से मीटर कर लेता है। दिन की रोशनी में बेहद अच्छी तस्वीरें आती हैं, बढ़िया डिटेल के साथ जूम इन करने के बाद भी। HDR के साथ किसी भी ब्राइट बैकग्राउंड के खिलाफ क्लिक किए गए शॉट्स भी काफी अच्छी तरह निकल कर आए। हालांकि वाइड एंगल कैमरा से खींची गई तस्वीरों में डिटेल्स की कमी थी और शॉट्स के किनारे वार्प थे। पोर्ट्रेट मोड में तस्वीर खींचने से पहले ही आप ब्लर के लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। इन तस्वीरों में एज डिटेक्शन अच्छा था और फोन सही तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर करने में कामयाब रहा। यह फोन सब्जेक्ट्स के चेहरों को एक्सपोज करने के लिए सही से रोशनी को मीटर कर पाता है, पर इसकी वजह से खराब रोशनी में ली गई तस्वीरों में बैकग्राउंड्स वॉश्ड आउट आते हैं। क्लोजअप शॉट्स में LG G8X ThinQ को पता होता है कि किस दिशा में उसे पॉइंट कर रखा है। तस्वीरों में बोके इफेक्ट नेचुरल लगता है और जूम इन करने के बाद भी डिटेल्स बढ़िया दिखते हैं। कम रोशनी में कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी थी और मुझे तस्वीरों में खूब सारी डिटेल देख के खुशी हुई। 1080p में वीडियो शूट करते वक्त मुझे इसके कैमरे का स्टेबलाइजेशन बढ़िया लगा और कम रोशनी में भी वीडियोस का आउटपुट ब्राइट था मिनिमल शिमर इफेक्ट के साथ। G8X ThinQ के जरिए LG बिल्कुल ही अलग अंदाज में फोल्डेबल स्मार्टफोन की रेस में शामिल हो गई है, क्योंकि LG ने इस फोन के साथ ही डुअल स्क्रीन एक्सेसरी को बंडल किया है। इस वजह से आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक डुअल स्क्रीन डिवाइस का अनुभव ले सकते हैं। साथ ही साथ इस फोन का कैमरा हार्डवेयर भी बहुत अच्छा है, जिसमें आप मैनुअल मोड का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। यह फोन डुअल स्क्रीन एक्सेसरी की वजह से ही अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अपनी एक अलग पहचान बना पाता है, पर अगर आपको एक दूसरी स्क्रीन से फर्क नहीं पड़ता तब आप अपने बजट के हिसाब से OnePlus 7T या फिर Samsung Galaxy S10 को खरीदने का सुझाव कर सकते हैं। तो यह था हमारा LG G8X ThinQ का रिव्यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा हिंदी की तमाम टेक खबरों के लिए gadgets.ndtv.com/hindi पर जाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।